नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम बात करने वाले हैं लाडली बहना योजना के संबंध में। जैसे कि आप सभी को पता है, लाडली बहना योजना का तीसरा चरण आने वाला है, पर किस तारीख को आने वाला है, कब से स्टार्ट होंगे, उसकी टर्म एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो सभी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप भी पहले चरण में रह गए थे और दूसरे चरण में भी रह गए हैं किसी कारण बस, तो आप तीसरे चरण में जरूर अपना आवेदन करिए। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन चेंजेस हुई है, वही आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आप बता दें कि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। अगर आपको कुछ परेशानी या कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि मेरी 21 से 23 साल की बहनों को अभी 1000 रुपये महीना मिल रहा है। अब मेरी बहनों 1,32,00,000 हो गई और कुछ बहनें छूट गई, उनके भी जल्द फॉर्म भरवाऊंगा। ठीक है, अभी ये कंफर्म यहाँ पर नहीं किया है कि कब फॉर्म भरवाएंगे, पर इसका एक पेपर में एक कटिंग हमने लाए हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो पहले 1,15,00,000 बहनें थी और सेकेंड राउंड में जो फॉर्म भरा है तो टोटल मिलाकर 1,01,32,00,000 हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेपर की कटिंग आपको दिखाना चाहते हैं। तो तीसरे चरण में आवेदन करने वाली महिलाओं की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की सभी विवाहित महिलाएं जिनकी ससुराल के परिवार आईडी में नाम हो और आधार कार्ड में पति का नाम होना जरूरी है। महिला का सिंगल बैंक खाता होना चाहिए, बैंक खाता आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, डीबीटी एक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, 15 सितंबर 2023 से महिलाएं अपने नजदीकी कैंप में जाकर लाडली बहना योजना में आवेदन जमा करवा सकती हैं। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, इसलिए सभी बहनों को सूचित किया जाता है कि सभी अपने जरूरी डॉक्यूमेंट को तैयार कर ले और बैंक की जरूरी KYC करवा ले 15 सितंबर से पहले। तो आपको बता दूं कि 15 सितंबर को आवेदन आपके स्टार्ट होने वाले हैं। या तो आप अपने नजदीकी जनसेवा मित्र, आपके जो गांव का जनसेवा मित्र है उससे संपर्क कर सकते हैं, और आपके जो जो डॉक्यूमेंट आपको पता ही है सभी को कि बैंक नया होना चाहिए, बैंक खाता सिंगल बैंक खाता होना चाहिए, ठीक है, ज्वाइंट बैंक खाता नहीं होना चाहिए। उसके बाद KYC आपकी कंप्लीट होना चाहिए, या एक बैंक की भी KYC और एक समग्र आईडी KYC। उसके बाद आपकी DBT इनेबल होने चाहिए, क्योंकि जो बैंक में आपके अकाउंट नंबर से पैसा नहीं आएगा, डायरेक्ट DBT के माध्यम से आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपका पैसा आपको दिया जाएगा। और 21 से 60 साल की उम्र में कोई आपको टर्म एंड कंडीशन नहीं है। अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो भी आप आवेदन कर सकती है, अगर नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकती है। ठीक है, जैसे प्रथम चरण में आवेदन हुए थे कि जिनके पास ट्रैक्टर है नहीं है सभी आवेदन कर सकते हैं, उसी प्रकार से अब 21 से 60 साल की सभी बहनें इसमें आवेदन कर सकती हैं। इससे रिलेटेड अगर हमारे पास और कोई अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। कोई भी भर्ती, कोई भी वैकेंसी, कोई भी योजना की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एक दो दिन की देरी हो जाएगी पर आपको जो जानकारी मिलेगी वो एकदम सटीक और सही जानकारी मिलेगी, कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।